हाय माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक ही हैं? घर पे ठीक तो है ना? बहुत कम लोग होमवर्क कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हो सकता है घर पे कोई प्रॉब्लम हो फोन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और बहुत सारे लोग होमवर्क सबमिट कर रहे हो टाइम से, जो कि मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हो गए, आर्यन गौतम हो गए, जूही हो गई, मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम शो कर रहा है, तो उनका तो नाम बता दे रहे हैं, लेकिन जिनका नाम नहीं शो कर रहा है, केवल नंबर शो कर रहा है, वो अपने नाम के साथ जहाँ होमवर्क सबमिट कर रहे हैं उसके नीचे अपना नाम जरूर राइट करें, ताकि पता चले कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है, फिर हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो एक दो टॉपिक पे ही डिस्कस होगा, जहाँ तक पढ़ाई हुआ होगा उसी के आगे से हम लोग चलेंगे। देखिए, हम लोग इसके पहले पार्ट में डिस्कस किए थे रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1E के डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, जो कि बहुत आसान है। इसमें आप लोगों को केवल केयर क्या करना है, प्लस माइनस पे। अगर निगेटिव इंटीजर यानी निगेटिव रेशनल नंबर को आप डिवाइड करते हो निगेटिव रेशनल नंबर से, तो आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अगर आप पॉजिटिव रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो केवल निगेटिव रेशनल नंबर से, तो निगेटिव आएगा। निगेटिव रेशनल नंबर को डिवाइड करते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर से, तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा। यानी आपको सिंबल पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी तो आप लोग फ्रैक्शन का डिवाइड बहुत पहले से पढ़ रहे हो। देखता हूँ कैसे इसको सॉल्व करोगे, एक बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सॉल्व कीजिएगा। देखो यहाँ पे पहला 4/9, डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं। डिनोमिनेट सेकेंड रेशनल नंबर को जिसे डिवाइड करना है, उसके डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, न्यूमिनेटर में चला जाता है, हमेशा माइनस सिंबल ऊपर रहता है। और न्यूमिनेटर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में आता है। देखिए ये दोनों 3 से कट रहा है ना, मल्टीप्लाई करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी क्या कीजिए, 3 से 3 4 जा और 3 3 जा, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। 4 4 जा -16 अपॉन 3 5 जा 15, ये आपका हो गया आंसर। ये भी देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो ये निगेटिव निगेटिव है, तो 8 -8/1 मल्टीप्लाई का सिंबल दिए, 16/-16/7। यहाँ पे माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखिए। अब देखिए ये कहीं सिंपलेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 128/7, अब जरा देख लीजिए क्या ये कट रहा है क्या, 7 से नहीं जा रहा है ना, 7 1 7 5 8 नहीं जा रहा है। अब यहाँ देखिए इसका आंसर ये हो गया। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उतना इंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मजे से पढ़ाऊं और आप लोगों को इंटरटेनमेंट की तरह, जैसे आप लोग मूवी देखते हो ना, तो साउथ वाला ब्रह्मानंद है, वो जो आँख मुँह बनाता है, वैसे ये देख लीजिए। वेरीफाई में क्या करना होता है, ये LHS और ये RHS दोनों का इक्वल दिया है स्टेटमेंट, ये ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो अगर इक्वल आएगा तो ट्रू है, इक्वल नहीं आएगा तो फॉल्स है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले LHS दो पार्ट कर लेते हैं, LHS। पहले क्वेश्चन राइट कीजिए, 13/5/26/10। देखिए 13/5 10/26, ये 2 और ये 5 2 जाए, देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 1। अब RHS चेक कर लिया जाए, RHS 26/10/5/13, यहाँ 2 फिर 2 कैंसिल होकर के क्या आ गया, 1। देयरफॉर LHS इक्वल टू
R H S, आया ना वन वन, सो स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। ऐसे ही आप लोग वेरीफाई करोगे और देखिए इसका प्रॉपर्टी जितना है आप लोग प्रॉपर्टी को राइट कर लोगे। प्रॉपर्टी नहीं लिखा क्योंकि टाइम लॉस हो रहा था, प्रॉपर्टी आप खुद से राइट कर लोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आशा करता हूँ कि आज बहुत सारे लोग होमवर्क सबमिट करेंगे, मैं देखता हूँ कितने लोग नाम के साथ होमवर्क सबमिट करते हैं। बाय माय डियर स्टूडेंट्स।